स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियो में। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बताऊंगा कि Redmi Y3 Redmi 7 का FRP आप कैसे कर सकते हैं एकदम आसानी से। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारे पास Redmi 7 मॉडल, इसमें FRP लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले फोन को वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करेंगे, उसके बाद फोन को हम एड नेटवर्क पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऊपर में लिखेंगे www.youtube.com। लिखने के बाद फ्रेंड्स उस चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा देर उस पर टैप करके रखेंगे, उसके बाद ऊपर में जो इधर से दो नंबर पर आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, YouTube हमारा ओपन हो जाएगा। YouTube ओपन होने के बाद यहाँ पे ऊपर में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे में अबाउट है, उस पर क्लिक करेंगे। अबाउट में क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे YouTube टैलेंट सर्विस दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्रोम ओपन हो जाएगा। क्रोम हमारा ओपन हो गया है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे ADROM सर्च करेंगे। सबसे ऊपर में आ रहा है बाईपास गूगल अकाउंट 2022, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमको यहाँ पे दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक एप्लीकेशन है यहाँ पे एंड्रॉयड 8, 9, 10 लिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। और एक है एंड्रॉयड, पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं, गूगल अकाउंट मैनेजर 10 है ये। इसको डाउनलोड करने के बाद फिर हमको ज़रूरत पड़ेगी FRP बाईपास APK या क्विक शॉर्टकट मेकर। चलिए हम FRP बाईपास को ही क्लिक करते हैं। FRP बाईपास और गूगल अकाउंट मैनेजर 10 दोनों एप्लीकेशन को फ्रेंड्स हमको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आ रहा है एंड्रॉयड 8, 9, 10 गेम APK, इस पर ये वाला डाउनलोड कर लेंगे और एक FRP बाईपास APK, दोनों एप्लीकेशन को फ्रेंड्स हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में ऊपर में देख लेते हैं डाउनलोड हुआ है कि नहीं। अभी नहीं हुआ है, नीचे ओके करने के लिए देगा फिर जाकर डाउनलोड होगा। बैंक आते हैं, बैंक आने के बाद फ्रेंड्स नीचे स्क्रॉल करेंगे नीचे। हाँ देखिए नीचे में आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर कट करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे, फिर एक बार ओके करेंगे, इसको तो कट कर देंगे, रिफ्रेस दे रहा है, डबल डबल डाउनलोड हो जाएगा। तो फिर ऊपर में अब जाकर देखेंगे डाउनलोड हो गया है, देख सकते हैं फिर डाउनलोड हो गया है। पहले गूगल अकाउंट मैनेजर 10 को इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पर नाउ सक्सेस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद इसको कर देंगे अलाउ, उसके बाद यहाँ पर स्कैनिंग कर रहा है, यहाँ पर डाउन कर देंगे, यहाँ पर अब इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल हो रहा है, इसको ओपन करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद FRP बाईपास APK को इसको ओपन करेंगे, ऊपर में 3 डॉट आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, ब्राउजर साइन इन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के लिए आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जो भी आपको ईमेल आईडी याद हो वो डाल सकते हैं या नीचे से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम ईमेल आईडी डाल देते हैं अपना। ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो हमारा साइन इन हो जाएगा। साइन इन हो रहा है, अब हमको आ गया है बैंक, बैंक आ गया है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हमको फ़ोन को कर देना है रीस्टार्ट, फोन को करना है रीस्टार्ट, रीबूट। थोड़ा सा टाइम लगेगा, फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इस ट्रिक से आप Redmi Y3 और Redmi 7 का FRP बाईपास कर सकते हैं। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। चलिए दिखाते हैं आपको कि हमारा FRP बाईपास हो गया है, फ़ोन तब तक ऑन हो रहा है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को भी लाइक जरूर से कर देना। फ्रेंड्स इस सिम का लॉक है, फ्रेंड्स सिम लॉक मांग रहा है, सिम डाला हुआ, इसमें लॉक लगा हुआ है। तो देखिए फ़ोन हमारा ओपन हो गया है, चलिए दिखाते हैं आगे। ऊपर साइड में लॉक का चिन्ह नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि FRP अब नहीं लगेगा। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, इस समय विदाउट नेट का भी हो जाता है फ्रेंड्स, बिना नेट कनेक्ट किए भी हो जाएगा। जब FRP लग नहीं रहता है तो नेट कनेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। FRP हट गया है तो नेट कनेक्ट नहीं करेंगे, फिर भी हो जाएगा। यहाँ पे इसको डोंट कॉपी कर देंगे, वहाँ पे देखिए अकाउंट एड साइन इन हो गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट साइन इन बता दिया, उसके बाद आ रहा है गेटिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, गूगल प्ले सर्विस इस यहाँ पे भी नेक्स्ट एक्सेप्ट कर देंगे,
यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जस्ट सेकंड बता रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे, जस्ट सेकंड बता रहा है। यहाँ पे कर देंगे, आने दीजिए फ्रेंड्स, क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे स्किप कर देंगे, स्किप कर देंगे, नेक्स्ट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई कुछ भी करे, यहाँ पे नो थैंक्स कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे FRP बाईपास एकदम से हट जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, देखिए ये माई अकाउंट मांग रहा है, यहाँ पे स्किप कर देंगे, साइड से स्किप करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे भी नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे क्लासिक, यहाँ पे आके एरो के निशान पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा FRP एकदम से हो गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप Redmi 7 और i3 का एकदम से आसानी से FRP बाईपास कर सकते हैं। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। देख सकते हैं हमारा FRP एकदम से ओके हो गया है।